ओके सो वेव्स और करंट्स का क्या रहता है? अभी तक हमने कौन कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया? वी हैव स्टडीड अबाउट वाटर, तो वाटर के दो पार्ट हमने पढ़े, क्या क्या? रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर, यस। उसके साथ हमने क्या पढ़ा, एक और जियोमॉर्फिक एजेंट, ग्लेशियर्स। सभी को समझ में आ गया? जियोमॉर्फिक एजेंट में दो पार्ट हमने पढ़ा, क्या क्या? एक इरोजनल लैंडफॉर्म जो इरोजन से बनता है, दूसरा डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो वेव्स और करंट्स, कोस्टल प्रोसेसेस आर डायनेमिक एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव विथ इरोजन एंड डेपोजिशन अकरिंग इन डिफरेंट सीजन्स। तो यहां पर जो है कोस्टल, अब वेव्स और करंट्स कहां पर आपका लैंडफॉर्म बनाएगा? बीच हेड्स पे, बीचेस पे बनेगा ना, और कोस्ट पे बनेगा। वेव्स कहां पर होता है? बीचेस पे होता है, कोस्ट पे होता है, करेक्ट। तो वेव्स जो होता है, ओके, इट हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन कोस्ट लाइन्स, ऑलराइट। इट हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन व्हाट? द कोस्ट। सुनामी वेव्स, स्टॉर्म वेव्स, ओके, ये जो होता है वो क्या करता है, रैपिड और एक्सटेंसिव चेंजेस लाता है कहां पर, आपके कोस्ट लाइन पे, कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रेकिंग वेव्स। तो अगर आपने देखा होगा सुनामी के वजह से देयर आर फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट लैंडफॉर्म, क्योंकि सुनामी वेव जो होता है उसका जो इंटेंसिटी होता है दैट इज मच हाइयर। तो वहां पर आप अगर देखोगे तो परमानेंट लैंडफॉर्म चेंजेस, और एक बार में, सपोज 2004 की सुनामी आई थी तो बहुत जगह, बहुत सारे आइलैंड्स क्या थे, डूब गए थे। यू गाइज रिमेम्बर? बहुत सारे आइलैंड्स क्या थे, डूब गए थे। आपको एक बात पता है, देर इज दिस आइलैंड कॉल्ड मूर आइलैंड, यू गाइज नो अबाउट दिस मूर आइलैंड? तो ये जो मूर आइलैंड है ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड था, कैन यू टेल मी विच कंट्री? इट वॉज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये जो है ये लैंडफॉर्म, इट वॉज, वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट, कोई बता सकता है वाई न्यू मूर आइलैंड वॉज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश? बिकॉज वहां पर नेचुरल गैस के डिपॉजिट थे, बट इट इज नो लॉन्गर ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन। वाई, कैन यू टेल मी किस रीजन की वजह से ये जो न्यू मूर आइलैंड है, इट इज नो लॉन्गर ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन, इट हैज सबमर्ज कंप्लीटली, द आइलैंड स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ ए साइक्लोन, और वो जो करेंट है। ऑल राइट, सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ परमानेंट नेचर कैसे बनता है? एक सुनामी से कितने सारे क्रेटर्स बने थे 2004 के सुनामी से? एक सुनामी से मल्टीपल क्रेटर्स वेयर फॉर्म, एक सुनामी से, और क्या बना था? क्रेटर्स वेयर फॉर्म्ड एंड देयर वेयर डिप्रेशंस ऑन द अलोंग द कोस्ट, ठीक है। कोस्टल लैंडफॉर्म जो है वो, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स सच एज कन्फिगरेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर एंड वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग सीवर्ड और रिट्रीटिंग लैंडवर्ड। ऑलराइट, ये जो है, या तो जो है ये देखा जाता है कि ये जो कोस्ट है ये सीवर्ड एडवांस हो रहा है, ओके, या लैंडवर्ड मतलब की तरफ रिट्रीट कर रहा है, सी वर्ड की तरफ बल्ज कर रहा है या लैंड की तरफ रिट्रीट कर रहा है आपका कोस्ट, वैसे भी देखा जा। ओके, दो टाइप ऑफ कोस्ट हम देखते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहले सबमर्ज कोस्ट, विच इज ए हाई एंड रॉकी कोस्ट। देन देर इज इमर्ज कोस्ट। इमर्ज कोस्ट का क्या होता है? इट इज लो लाइंग एंड स्मूथ कोस्ट विथ जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंटरी। ओके, हाई रॉकी कोस्ट, रिवर्स अलोंग हाई रॉकी कोस्ट अपीयर ड्राउंड रिजल्टिंग इन हाईली इररेग्युलर कोस्ट लाइन। ये जो रिवर्स है जो कि हाई रॉकी कोस्ट के अराउंड रहता है, आपको वो कैसा मिलेगा? ड्राउंड मिलेगा। ओके,
विच रिजल्ट्स इन हाईली इरेग्युलर कोस्ट लाइन। ओके, डूब गया। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोस्ट लाइन शो इन सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है एनीबॉडी? ये जो आपका कोस्ट लाइन होता है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है? इंडेंटेशन का, इंडेंटेशन हमें देखने को मिलता है, उसका मतलब क्या होता है? एक तरीके का आप कह सकते हो टाइप ऑफ ए डिप्रेशन, सॉर्ट ऑफ ए डिप्रेशन। इंडेंटेड, कोस्ट इज इंडेंटेड। ओके, उसका मतलब क्या होता है? अनईवन कह सकते हो, बीच में ऐसे है, फिर उसके बाद सीधा है, फिर थोड़ा सा डिप्रेशन है। ओके, देर इज अ स्पेस, आप कह सकते हो इंडेंटेशन इज सॉर्ट ऑफ ए स्पेस। ओके, विथ वॉटर एक्सटेंडिंग इन टू द लैंड वेयर ग्लेशियल वैली एग्जिस्ट। तो ग्लेशियल वैली को हमने क्या पढ़ा था? द ग्लेशियल वैलीज वेयर फ्योर्ड्स, करेक्ट। इट वॉज अ ग्लेशियर लैंडफॉर्म। वट काइंड ऑफ ग्लेशियर लैंडफॉर्म वेयर द फ्योर्ड? द फ्योर्ड वॉज ए वट काइंड ऑफ डिपोजिशनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म और इरोजनल? फ्योर्ड्स क्या था, इरोजनल था या डिपोजिशनल था? इट वॉज डेपोजिशनल या इरोजनल? इरोड होता है या डिपॉजिट होता है? ग्लेशियर, ग्लेशियर लैंडफॉर्म था ना, इट वॉज ग्लेशियर लैंडफॉर्म, तो वो डिपॉजिशनल था या इरोजनल था? इट वॉज ए इरोजनल। ओके, इट वॉज एन इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। फ्योर्ड्स वॉज अ PYQ, फ्योर्ड्स वॉज अ PYQ। ओके, सो इट वॉज एन इरोजनल लैंडफॉर्म। ओके, अब हम आ जाते हैं हाई रॉकी कोस्ट पे। ये जो रिवर्स है जो कि एग्जिस्ट करता है हाई रॉकी कोस्ट पे, उनको कैसे रहते हैं? इट अपियर्स टू बी ड्राउन विच रिजल्ट्स इन हाईली इररेग्युलर कोस्ट लाइन। अभी हमने किसकी बात की थी? इंडेंटेड कोस्ट लाइन की बात की थी। तो वो क्या होता है? कहीं कहीं पे डिप्रेशन है, कहीं कहीं पे नॉर्मल है, कहीं कहीं पे फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है। तो अन ईवन कोस्ट आपको देखने को मिलता है रॉकी कोस्ट पे। ओके, ऑल राइट। जो उसका हिल साइड्स होता है वो स्टीप ड्रॉप देखने को मिलता है हमें वाटर के अंदर, लैकिंग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इनिशियली विथ इरोजन फीचर्स डोमिनेटिंग। ओके, वेव्स ब्रेक फोर्सफुली अगेंस्ट द लैंड शेपिंग हिल साइड्स इनटू क्लिफ्स। ये जो वेव्स होता है वो फोर्सफुली स्लैम करते हैं लैंड के अगेंस्ट में, जिससे जो हिल साइड जो होता है वो क्लिफ्स बनते हैं। डू यू नो क्लिफ्स? क्लिफ हैंगर हम कहते हैं। व्हाट इज अ क्लिफ? इट्स अ स्टीप स्लोप, इस टाइप से रहता है। यहां पर वेव्स आते हैं ऐसे, यस और नो? ऐसे वेव्स आते हैं, दिस इज योर क्लिफ। और होता है ना क्लिफ जंपिंग, देखते हो? डू यू नो व्हाट इज क्लिफ जंपिंग? है ना, एकदम कोने से आप जंप करते हो। सो ये किस टाइप का लैंडफॉर्म होगा? इरोजनल और डिपोजिशनल? क्लिफ्स विल बी फॉर्म्ड बाय इरोजन, करेक्ट। ओके, वेव्स ग्रेजुअली स्मूथ द इरेग्युलरिटीज अलोंग द शोर। तो अब वेव्स क्या करता है? ग्रेजुअली, ओके, क्या होता है वो, जितनी भी इरेग्युलरिटी है उसको स्मूदन करना शुरू कर देता है। मटेरियल इरोडेड फ्रॉम सी क्लिफ ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, रोल्स टू राउंडनेस एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑफ शोर। आफ्टर कंसिडरेबल क्लिफ रिट्रीट कोस्ट लाइन बिकम्स समवॉट स्मूथ, फॉर्मिंग ए वेव बिल्ट टेरेस इन फ्रंट ऑफ द वेव कट टेरेस। अब यहां पर क्या होता है? सो नाउ आप देख सकते हैं, सपोज देर इज अ कॉन्टिनेंटल एरिया, ओके, देर इज अ क्रस्ट, आप ऐसे समझ लो एक लैंड फॉर्म है। उस पर क्या हुआ? सबसे पहले वेव के थपेड़े, थपेड़े हम कहते हैं ना हिंदी में, वेव्स जो है वो आते रहा,
सबसे पहले जो है वो पूरा एरिया जो है उसको क्या किया उसने, उसको इरोड करना स्टार्ट कर दिया। इरोड करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, सबसे पहले इररेगुलरिटीज आई, इररेगुलरिटीज आई आपके कोस्ट लाइन पे। अब इररेगुलरिटीज के बाद व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, उसके बाद जो है आपका क्लिफ बनना स्टार्ट हुआ, आपका जो है क्लिफ बनना स्टार्ट हुआ, जहां पर वेव्स जो है उसने जब फोर्सफुली लैंड किए, ओके, लैंड के अगेंस्ट जो जाके स्लैम किया, उसके बाद जो हिल साइड जो है इट स्टार्टेड टू फॉर्म इनटू क्लिफ। हाउ क्लिफ वेयर फॉर्म, जो आपका नॉर्मल हिल्स है उससे जो लैंड फॉर्म है वो इरोड हो गया, तो एक स्टीप स्लोप, एक आपको क्या मिला, एक स्टीप स्लोप मिला, ठीक है। ऑलराइट, आफ्टर कंसिडरेबल क्लिफ रिट्रीट कोस्ट लाइन बिकम समवॉट स्मूथ। अब स्मूथनिंग प्रोसेस, पहले इररेगुलरिटीज थी, अब वो इररेगुलरिटीज कैसे होने लगी, बिकॉज ऑफ इररेगुलरिटीज, बिकॉज ऑफ वेव्स, अब वो स्मूदन होना शुरू हो गई। देन बार्स सबमर्ज रिजेस ऑफ सैंड एंड और शिंगल पैरेलल टू द कोस्ट मे अपियर अबव वॉटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर बार्स बोलते हैं। तो वॉट आर बैरियर बार्स, दीज आर बेसिकली सबमर्ज रिजेस ऑफ सैंड, ओके, जो कि बाहर की तरफ, वाटर के बाहर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। तो ये आप ऐसे समझिए, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ओके, यहां पर सपोज दिस इज योर बीच, ओके, दिस इज योर बीच हेड, तो यहां पर जो है अनइवननेस जो है उसको स्मूदन आउट होने लगा धीरे धीरे करके। उसके बाद व्हाट हैपेंड, उसके बाद आपको सबमर्ज रिजेस ऑफ सैंड, सैंड का आपको सबमर्ज रिजेस मिलेगा। रिज मतलब समझते हैं आप, डू यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज ए रिज, ये जो है दिस विल बी योर बैरियर बार, ओके ओके। रिज जो है इट्स बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो एक टाइप का नैरो माउंटेन, एक टाइप का नैरो माउंटेन है, ऑलराइट। तो उसी तरीके का हमें सबमर्ज रिज है ये, व्हाट इज दैट, दिस इज सॉर्ट ऑफ ए सबमर्ज रिज, ऑलराइट, ऑफ व्हाट, ऑफ सैंड, सैंड का मतलब बालू का जो सबमर्ज रिज है, ऑलराइट, इट्स अ स्मॉल माउंटेन काइंड ऑफ थिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बैरियर बार, ओके। स्पिट्स बैरियर बार्स अटैच टू हेडलैंड ऑफ बे, ओके, द स्पिट्स आर वॉट, यहां पर अब हम एक और नया लैंडफॉर्म को पढ़ रहे हैं, दोज आर स्पिट्स, तो स्पिट्स आर वॉट, दीज आर बैरियर बार्स, वॉट आर बैरियर बार्स, दीज आर सबमर्ज रिजेस ऑफ सैंड। अब वही सबमर्ज रिजेस ऑफ सैंड जब अटैच हो जाते हैं किसमें, हेडलैंड ऑफ बेज, डू यू अंडरस्टैंड वॉट इज बे, वॉट इज ए बे, बे कोस्ट को आप जानते हैं, बे ऑफ बंगाल जो है, यू अंडरस्टैंड, बे ऑफ बंगाल नाम क्यों पड़ा, बे ऑफ बिस्के नाम क्यों पड़ा, ओके, सो बे जो होता है बेसिकली एक ये बॉडी ऑफ वाटर है, सी जैसा ही होता है, इट्स अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, ओके, और वो जो बे होता है एक इनलेट की तरह काम करता है। आपने बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी देखा है, इंडिया से, बांग्लादेश से, म्यांमार से पूरा ढका हुआ है, और फिर आपको साउथ में इंडियन ओशन मिल जाएगा, तो एक इनलेट की तरह काम कर रहा है, ओके, सो वो क्या हो जाता है, आपका बे हो जाता है, ऑलराइट। विच इज बिगर, गल्फ इज बिगर और बे इज बिगर, अ बे इज बिगर और अ गल्फ इज बिगर, इन जनरल अ गल्फ इज बिगर, इन जनरल एक गल्फ इज बिगर, ऑलराइट, प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो स्पिट्स क्या होता है, बैरियर बार्स जो होता है, जो कि अटैच होता है किससे, हेडलैंड्स, ऑलराइट, व्हाट आर हेडलैंड्स, यहां पर आपकी, अभी मैंने आपको बताया कि बेस क्या होता है, ऑलराइट, व्हाट आर हेडलैंड्स, एनीबॉडी, सो ये बेसिकली, ओके, ये बेसिकली हार्ड रॉक वाला एरिया होता है,
हार्ड रॉक वाला एरिया होता है, और आपने ऐसे देखा है कहीं कहीं पे ऐसे रहता है आइलैंड टाइप का, और यहां पर ये वाटर है, ऑल राइट, और ये जो पूरा है ये हार्ड रॉक वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये हार्ड रॉक का एरिया है, यहां पर तीन तरफ से वाटर बॉडी को ढके हुए है, और इधर आपका सी खुल जाता है। हैव यू सीन दैट? राइट, तो वही आपका, ऑल राइट, वही आपका हेडलैंड्स है। हेडलैंड्स आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। हेडलैंड्स जो है वो आपके हार्ड रॉक से बना रहता है, ओके, और हेडलैंड्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस इरोजन। हेडलैंड में ही वेव्स के चलते आपको इंटेंस इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लगून्स, हाउ लगून्स आर फॉर्म्ड। लगून्स इंडिया में किधर मिलता है हमें, हमें लगून्स इंडिया में किधर मिलेगा, एनीबडी? लगून सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलता है? केरल, केरल में वी फाइंड लगून्स इन केरला। यस, इन द केरला कोस्ट यू फाइंड अ लॉट ऑफ लगून्स, करेक्ट। बैक वाटर्स भी वहां मिलता है आपको, है ना। सो लगून्स कब फॉर्म होते हैं? जब बैरियर बार्स एंड स्पिट्स ब्लॉक द माउथ ऑफ ए बे, ग्रेजुअली फिलिंग अप विथ सेडिमेंट्स फ्रॉम द लैंड, क्रिएटिंग ए कोस्टल प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है लगून फॉर्मेशन कैसे होता है। दिस दिस यू नो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर GS1 का मीन्स। यस, बैक वाटर्स ऑफ अलाफूजा, करेक्ट, राइट। तो यहां पर आप समझिए कि लगून कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले जब बैरियर बार्स और स्पिट्स जो होते हैं दे ब्लॉक द माउथ ऑफ ए बे, एक बे का, बे इज अ बॉडी ऑफ वाटर विच इज कवर्ड बाई वॉट, विच इज कवर्ड बाई लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, एंड जब बैरियर बार्स और स्पिट्स होते हैं वो माउथ ऑफ ए बे को ब्लॉक कर देते हैं। अब यहां समझो, ऑलरेडी बे के चारों तरफ, तीनों तरफ वाटर था, सॉरी लैंड था, लैंड वॉज देयर, और ये वाटर है आपका, और अगर यहां पर भी एक ब्लॉक कर दिया बैरियर बार्स और स्पिट्स ने, एक तरीके का स्मॉल माउंटेन ऑफ सैंड जो है हमने बताया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैरियर बार्स, और जब उसको ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ? क्या मैं बोल सकता हूं आपका सी जो है वो कट ऑफ हो गया, एक सी का पोर्शन कट ऑफ हो गया, वो ब्लॉक हो गया, जो सी का पोर्शन कट ऑफ हो गया उससे क्या हुआ? ऑलराइट, उससे क्या हुआ? एक तरीके का आपको लगून का फॉर्मेशन मिला। सो कैन आई से दैट व्हेन इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑक्सबो लेक, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ऑक्सबो लेक, सॉर्ट ऑफ एन ऑक्सबो लेक कैसे कह सकते हैं इसको, जैसे ये रिवर्स ऑक्सबो लेक बनाता है उसी तरीके से सी लगून बनाता है, सी जो है वो लगून बनाता है, करेक्ट, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन? राम सेतु, इज राम सेतु अ लगून? इट्स नॉट एग्जैक्टली अ लगून, ओके, ऑलराइट, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ लगून। हाँ, बैरियर बार जब पानी के ऊपर आए तो स्पिट, ऑलराइट, व्हाट वी डिड वी स्टडी इन बैरियर बार्स, यहां पर आपको देखना, ओके, नहीं, जब ये बैरियर बार्स है ये अटैच हो जाता है, देखो ऑलरेडी बैरियर बार जो है वो ऑलरेडी ऊपर है, उसका थोड़ा सा पोर्शन ऊपर है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन इज सबमर्ज्ड। हम ये बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी पोर्शन जो है इट इज सबमर्ज्ड, और जब वही जो ऊपर थोड़ा सा पोर्शन है वो किससे, वो जाता है और आपका अटैच हो जाता है हेडलैंड से। हेडलैंड मैंने क्या बताया? हार्ड रॉक्स ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाई सेडिमेंट्री कोस्ट के बाद हम लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे आते हैं। सो रिवर्स अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड डेल्टा कहाँ बनेगा? डेल्टा बनेगा आपका लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे, ओके। कोस्ट लाइन अपीयर स्मूथ विथ ओकेजनल वॉटर इनकर्शन इन द फॉर्म ऑफ लगून्स एंड टाइडल क्रीक्स।
लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द वाटर, वेयर एज इन इन अर्लियर फॉर्म जब हमने हाई रॉकी पोस्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि रिवर्स जो है वो अपियर ड्राउंड, वेयर एज इन द लोअर कोस्ट हमने क्या पढ़ा था रिवर का लेंथ एक्सटेंड होता है. जब लेंथ एक्सटेंड होगा तो क्या होगा, जब रिवर का लेंथ एक्सटेंड होगा तो क्या होगा, इट विल फॉर्म डेल्टास. यस, आपने हमने क्या बोला कि ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट में रिवर्स आर एबल टू एक्सटेंड देयर लेंथ. ऑल राइट, ट्रू है. अब व्हेन इट इज एबल टू एक्सटेंड देयर लेंथ दे आर एबल टू फॉर्म समथिंग नोन एज डेल्टास. ऑल राइट, यहां पर डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं. हाई रॉकी कोस्ट में हमने क्या बोला था, इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं. ओके, डिपोजिशनल मतलब क्या, डिपॉजिट हो रहा है सामान, जो भी चीजें लेके आ रहा है रिवर वो डिपॉजिट हो रहा है. इरोजनल में क्या हो रहा है, वेव्स और करेंट्स के कारण जितना भी आपका कोस्ट था वो क्या हो रहा है, वो टूट रहा है. ऑल राइट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरोजनल एंड दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट, डिपॉजिशनल. ठीक है, वेव्स ब्रेकिंग ओवर जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट टर्न बॉटम सेडिमेंट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बार्स, बैरियर बार्स, स्पिट्स एंड लगून्स. तो यहां पर भी आपको वो सारे चीजें होता है, बार्स, बैरियर बार्स, स्पिट्स और लगून्स फॉर्म होता है. लेकिन कैसे होता है, जो वेव्स है वो जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट पे, वहां पर क्या था, वेव्स जो है इट वॉज ऑन हाई रॉकी कोस्ट. और यहां जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट में जो बॉटम सेडिमेंट्स होता है उसको निकालता है. डू यू अंडरस्टैंड, याद है रिवर रिवर लैंडफॉर्म में भी हमने यही पढ़ा था, कैसे सैंड, सिल्ट और क्ले आपको मिलता है, एलुवियल सॉइल मिलता है नीचे मिडिल कोर्सेस पे रिवर के एंड लोअर कोर्सेस पे. जब रिवर का फ्लो कम हो जाता है तो कैसे आपको सैंड, सिल्ट एंड क्ले मिलता है, कैसे मिलता है, कोई बता सकता है अगर किसी को याद हो. फ्लडिंग होती थी, वी स्टडीड अबाउट हाउ रिवर यूज टू फ्लड. और जब फ्लड रिसीड करता था, जब फ्लड रिसीड करता था तो जो रिवर के रिवर बेड का सेडिमेंट्स था, रिवर बेड का सेडिमेंट्स था वो क्या होता था, वो ऊपर चला जाता था. ठीक है, लगून्स इवेंचुअली ट्रांजिशन इनटू स्वाम्प्स. लगून इवेंचुअली ट्रांजिशन इन टू स्वाम्प विच इन टर्न ट्रांसफॉर्म इन टू कोस्टल प्लेन्स. ऑल राइट, जो लगून है वो क्या होता है, इट इवेंचुअली ट्रांजिशन इन टू स्वाम्प्स एंड देन इट ट्रांसफॉर्म इन टू कोस्टल प्लेन्स. तो सबसे पहले लगून बनता है, लगून कैसे बनता है हमने बात की है, तीन तरफ से जो बे है, ये बे का वॉटर है, समझ लो ये बे का वॉटर है और ये लैंड है. यहां पर जब आपका बैरियर बार और स्पिट आगे जाके इसको क्लोज कर देता है और यहां पर आपका ये जो है मटेरियल गिर जाता है, तो उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सी कोस्ट, आप समझ लो सी का पानी. सी का पानी का क्या होता है, सी वाटर का, वो कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सी. सी जो वाटर है वो क्या होता है, रेस्ट ऑफ द सी से कट ऑफ हो जाता है. और जो कट ऑफ होता है, जब वो कट ऑफ होता है तो क्या बनता है, वो लगून बन जाता है. करेक्ट, करेक्ट, ठीक है. तो इसीलिए मैंने बोला कि ऑक्सबो लेक और लगून, व्हाट रिवर इज टू ऑक्सबो लेक, सी इज टू लगून, और व्हाट ऑक्सबो लेक इज टू रिवर, लगून विल बी टू सी. ये चीज समझ में आई. डिड यू गेट दिस पॉइंट, या किसी को नहीं समझ में आया, मैं फिर बोल रहा हूं, लगून आर वॉट, शैलो बॉडी ऑफ वॉटर सेपरेटेड फ्रॉम
मेन सी, और इसमें वाई दे आर सेपरेटेड, सेपरेशन का जो बैरियर होता है, सेपरेशन का जो बैरियर होता है वो क्या होता है, वो होता है सैंड बार या तो बैरियर, ओके, या तो आप सैंड बार से आप देख सकते हैं, और किससे होता है, वी टॉक्ड अबाउट मल्टीपल फीचर्स, उसमें से क्या क्या होता है कोई बता सकता है, और क्या होगा, सैंड बार्स होगा उसके साथ, स्पिट्स, वेरी गुड, और क्या होगा, गुड, स्पिट्स उसके साथ, बार्स उसके साथ, बैरियर बार, दिस कैन बी ब्लॉकिंग, दिस कैन हेल्प इन ब्लॉकिंग द लगून। अब ये जो शैलो वाटर बॉडी है ये क्या है, क्या ये पीने लायक पानी है? ऑक्सबो लेक का पानी तो तुम ठीक है पी सकते हो, क्या इसका पानी पी सकते हो लगून का? विल इट नॉट बी सॉल्टी वॉटर, विल इट नॉट बी सॉल्टी वॉटर, विल इट नॉट बी ब्रैकिश? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? ओके, जस्ट लेट मी नो, यस और नो। नो है तो फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नमकीन होगा पानी, बिकॉज किससे सेपरेट हो रहा है, सी से, ओके, ऑल राइट। अब हम आते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म पे, विच आर फॉर्म बाय द वेव्स डिप। यहां पर हम देखते हैं क्या क्या, क्लिफ, टेरेस, केव्स एंड स्टैक्स। जो वेव होता है वो क्या करता है, इट विल कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस, ओके, और उसको जो है क्लिफ्स को फॉर्म करेगा, माउंटेन्स जो है कोस्टल माउंटेन्स उसको कट करके एक स्टीप स्लोप बनाएगा, जिससे आपका क्या बनेगा, जिससे आपका क्लिफ बनेगा, ओके, ऑलराइट। एट द फुट ऑफ दीज सी क्लिफ्स अ फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग प्लेटफॉर्म, ऑल राइट, कवर्ड बाय रॉक डेब्री मे अकर, उसको क्या बोलेंगे, टेरेस। तो ये जो क्लिफ्स होता है ऐसे समझो, वो देखा एक पोकीमोन का एपिसोड था जिसमें गैस्टली एक लड़की थी जो यहां रहती थी क्लिफ पे, एंड यू नो ब्रॉक, याद आया, एंड वेव्स यूज टू कम, ऐसे ऐसे, इफ समबडी हैज सीन दैट एपिसोड, पोकीमोन का एपिसोड था, तो वो होता है क्लिफ, जहां पर वो घोस्ट घोस्ट लड़की खड़ी थी ना, जो घोस्ट वाली लड़की खड़ी थी। तो देर वॉज दिस एपिसोड इन पोकेमोन जहां पर यू नो देर जो वहां का प्रोटैगनिस्ट है ब्रॉक, ओके, सो ही फॉल्स इन लव विद दिस गर्ल, और वो एक्चुअली में घोस्ट होती थी, एंड शी यूज टू स्टैंड ऑन द क्लिफ, ओके, वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आई आई सेड दिस, आई गेव दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई थॉट दैट मेजोरिटी ऑफ यू माइट माइट बी ओके माइट बी वॉचिंग दैट। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, आप यहां पर खड़े हैं, ऑल राइट, और यहां पर नीचे पे, नीचे वाला जो एरिया है वहां पर आपको क्या मिलेगा, ओके, फुट ऑफ द सी क्लिफ, एक आपको फ्लैट या जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म दिखेगा जिसको टेरेस कह रहे हैं, विच विल बी कवर्ड बाय रॉक डेब्री। टेरेस समझते हो, टेरेस पे खड़ा हो सकते हो, तुम्हारे घर का टेरेस, टेरेस पे कपड़े सुखा दो बोलते हैं ना हम, क्या बोलते हैं, टेरेस पे कपड़े सुखा दो। तो टेरेस क्या होता है, फ्लैट सरफेस वो कह सकते हैं। ऑलराइट, वेव्स जो है जब क्लिफ के बेस पे, अब क्लिफ माउंटेन है एक तरीके का माउंटेन है विच हैज बीन यू नो अंडरगोइंग इरोजन, अब क्लिफ के बेस पे अगर बहुत ज्यादा लैश करेगा, थपेड़े मारेगा विंड, तो वहां से क्या होता है, हॉलो डिप्रेशंस बन जाएगा, और हॉलो डिप्रेशंस क्या होता है दोस्त, हॉलो डिप्रेशंस आपका केव्स हो जाएगा। अगर मान लो केव्स के दोनों तरफ, मान लो यहां से केव्स है और उसके तर उस तरफ एक ओपनिंग और खुल गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सुबह बताया था टनल, विल वी नॉट से इट इज अ टनल नाउ, जब केव का एक एंड पॉइंट पे एक और ओपनिंग है, दैट विल बी कॉल्ड ए टनल, ओके। अब देखते हैं व्हाट आर सी स्टैक्स, सो रिट्रीट ऑफ द क्लिफ
जो क्लिफ का रिट्रीट है, इट कैन लीव आइसोलेटेड रेमिनेंट्स ऑफ रॉक स्टैंडिंग एज स्मॉल आइलैंड्स ऑफ द शोर कॉल्ड सी स्टैक्स। ओके, सी स्टैक्स जो है वो क्या होता है, जो क्लिफ होता है जब वो रिट्रीट करेगा, रिट्रीट कैसे करेगा, इरोजन होते होते, इट विल यू नो इरोजन विल कंटिन्यू टू हैपन, स्मूदनिंग विल कंटिन्यू टू हैपन, और जब वो पीछे चला जाएगा जो क्लिफ है, तो आइसोलेटेड आपको रॉक्स मिलेंगे, ऑल राइट, विच विल स्टैंड एज स्मॉल आइलैंड्स, वेरी स्मॉल आइलैंड्स ऑफ द शोर, और वो क्या है, रेमिनेंट्स है क्लिफ का, दोज आर वॉट, रेमिनेंट्स ऑफ द क्लिफ्स, और उसको हम क्या बोलेंगे, सी स्टैक्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ये समझ में आ गया आप लोगों को? सी स्टैक्स आर वॉट, सी स्टैक्स आर टेम्पररी फीचर्स। सी स्टैक्स क्या होता है, टेम्पररी फीचर्स होता है, इवेंचुअली इरोडिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन। ओके, ये टेम्पररी फीचर होता है, रेमिनेंट्स है जो बच जाता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ओके, ये परमानेंट नहीं होता, इसका भी इरोजन हो जाता है, एंड फाइनली आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है डिपॉजिट होने का, बीचेस। बीच जो है आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शोर लाइन्स डोमिनेटेड बाई डिपोजिशन बट मे अकर एज पैचेस अलॉन्ग रगेड शोर्स। तो कभी बीच गए हो, कभी आप बीच गए हो, अगर आप बीच गए हो तो ऐसा आपको पता रहेगा कि सपोज यहां पर इतना पूरा एरिया है, अचानक से बड़ा सा रॉक है, और उसके बाद फिर आपको बीच मिलेगा। बीच में क्या रहता है, सैंड का डिपॉजिट, आपको सैंड का डिपॉजिट मिलता है। तो बीचेस कैसे होते हैं, सी को आप एक्सेस कैसे करते हो? मान लो कि आपको मुंबई जाना है, तो क्या मुंबई में हर जगह आप सी को एक्सेस कर सकते हो? जुहू बीच, चौपाटी बीच, मरीना बीच, दिघा बीच, ऋषिकुल्या बीच, सर्टेन एरियाज हैं, सर्टेन एरियाज होते हैं ना, क्योंकि और जगह आप जाओगे तो ऐसे भी देखोगे कि आपको सिर्फ रॉक्स मिल रहा है, और वहां पर रॉक्स पे लोग फोटो खिंचा रहे खड़े होके, बट दे आर नॉट एबल टू जंप इनटू द ओशन, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द ओशन फ्रॉम देयर, अगर जंप करेंगे तो सर फूट जाएगा। लेकिन अगर जुहू बीच में जा रहे हैं, सो दे कैन गो इनसाइड द ओशन बिना किसी प्रॉब्लम के, दे कैन जंप इनटू द ओशन, बैठ सकते हैं बीच के पास। ठीक है, ऊपर करना है क्या ये क्लिफ्स? ओके, जंप, ऑलराइट, ठीक है। तो बीचेस समझे, बीचेस आर नॉट कंटिन्यूअस थिंग्स, बीचेस आर नॉट कंटिन्यूअस थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस, ऑलराइट, ठीक है। सेडिमेंट ऑन बीचेस कम्स फ्रॉम लैंड विच आर कैरीड बाई स्ट्रीम्स एंड रिवर्स और फ्रॉम वेव इरोजन। जो सेडिमेंट होता है बीचेस पे वो कैसे आता है, वो आपका स्ट्रीम से आता है, रिवर से आता है, या वेव के इरोजन से आता है, वेव्स भी लेके आ सकता है दूसरे जगह से। बीचेस आर टेम्पररी फीचर्स विद सैंडी बीचेस समटाइम्स रिड्यूस टू नैरो स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स पेबल इन डिफरेंट सीजन। देन यू हैव सिंगल बीचेस, व्हाट आर सिंगल बीचेस, जहां पर आपको स्मॉल पेबल्स, कंकड़ पत्थर और कॉबल्स मिलेंगे, ऑल राइट। अब हम आ जाते हैं ड्यून्स पे, कभी कभी सैंड जो है वो लिफ्ट हो जाता है, ओके, ऑन द बीच सरफेस एंड इज डिपॉजिटेड एज सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स और कहां मिलता है हमें, डेजर्ट में भी मिलता है, सैंड ड्यून इज समथिंग दैट वी फाइंड ऑन डेजर्ट ऑल्सो। सैंड ड्यून्स फॉर्म्स लॉन्ग रिजेस, सैंड ड्यून्स जो है वो क्या करता है, लॉन्ग रिजेस फॉर्म करता है विच आर पैरेलल टू दी कोस्ट लाइन। किसके पैरेलल होता है, कोस्ट लाइन के पैरेलल होता है, ऑल राइट, एंड दीज आर कॉमन अलोंग द लो सेडिमेंट्री कोस्ट।
लो सेडिमेंटरी कोस्ट क्या होता है, दीज आर स्मूथर, दीज अलाउ द रिवर टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस, करेक्ट? ऑल राइट, बार बैरियर एंड स्पिट, सो ऑफ शोर रिज ऑफ सैंड एंड शिंगल लाइंग पैरल टू द कोस्ट इज कॉल्ड एन ऑफ शोर बार। तो यहां पर जो है, जो पैरल कोस्ट के पैरल एक रहता है आपका, ऑल राइट, ऑफ शोर रिज किसका, सैंड से बना हुआ रहता है, ओके, पेबल से बना हुआ रहता है, विच लाइज पैरल टू द कोस्ट इन एन ऑफ शोर जोन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ शोर बार। इफ एन ऑफ शोर बार बिकम्स एक्सपोज ड्यू टू फर्दर सैंड डिपोजिशन, इट इज टर्म्ड एज बैरियर बार। तो ऑफ शोर बार क्या होता है, इट इज ए प्रिमिटिव फीचर, इनिशियल फीचर है, अगर उसपे और सैंड गिर जाए जाके, उसपे और यू नो डिपोजिशन हो जाए, तो वो फिर बैरियर बार हो जाता है। ऊपर हमने पढ़ा था बैरियर बार क्या होता है। दीज बार्स एंड बैरियर्स ऑफन फॉर्म अक्रॉस द माउथ ऑफ रिवर्स और एट बे एंट्रेंस, ओके। अ बैरियर बार अटैच टू द कोस्ट फ्रॉम वन एंड इज नोन एज स्पिट। बैरियर बार जो है, इफ इट इज अटैच टू द कोस्ट फ्रॉम ओनली वन एंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिट, ओके। और बैरियर बार स्पिट्स एंड बार्स एट बे माउथ ग्रेजुअली एक्सटेंड रिड्यूसिंग द बेज ओपनिंग टू द सी इवेंचुअली मेकिंग इट ए लगून। लगून क्या होता है, क्या मैं लगून को बोल सकता हूं ट्रैप्ड सी? लगून इज ए सॉर्ट ऑफ ए ट्रैप्ड सी, अभी जस्ट हमने बात की उसके बारे में, यस। ऑल राइट, लगून्स कैन लेटर बी फिल्ड विथ सैंड ब्रॉड बाई विंड डेवलपिंग इन टू ब्रॉड वाइड प्लेन्स, ओके ओके। विंड्स आर वन ऑफ द डोमिनेंट एजेंट्स इन हॉट डेजर्ट। अब हम विंड्स के बारे में बात करते हैं, इसका भी हम लोग इरोजनल फीचर डिपोजिशनल फीचर देखेंगे। तो विंड्स आर वॉट, दीज आर डोमिनेंट एजेंट्स इन हॉट डेजर्ट्स, हीटेड डेजर्ट फ्लोर वार्म्स द एयर अबव क्रिएटिंग अपवर्ड मूवमेंट एंड टर्बुलेंस फॉर्मिंग एडीज व्हर्लविंड्स अपड्राफ्ट्स एंड डाउनड्राफ्ट। यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो डेजर्ट फ्लोर है वो हीटअप हो जाता है। हाँ, सी का वाटर है, ट्रैप्ड सी मतलब ट्रैप्ड पार्ट ऑफ सी मैं कह सकता हूँ, कैन आई से दैट इट इज द ट्रैप्ड पार्ट ऑफ सी, है ना, ये बोल सकते हैं। ले देखे तो वही होता है ना, ट्रैप्ड पार्ट ऑफ सी। सी सी में क्या होता है, जो आपका यहां समझो ना, अगर मान लो कि एक बीच है, ओके, ऐसे बीच है और ऐसे लैंड फॉर्म है, यहां पर बैरियर बार्स है, आपका सैंड का सबमर्ज, सैंड्स आपको याद होगा हमने जस्ट अभी बात की थी, सैंड इज सबमर्ज्ड उसी के चलते, ऑल राइट। और फिर वो जब आगे बढ़ते गया, जब अगर आगे बढ़ गया तो क्या बनाया, लगून्स। दिस इज समथिंग दैट यू सी इन केरल, दिस इज समथिंग दैट यू सी इन केरल। अब हम बात करते हैं विंड्स की, विंड्स क्या है। सो यहां पर जो है, जब डेजर्ट फ्लोर होता है, डेजर्ट फ्लोर होता है, जब वो हीट अप हो जाता है, ओके, ऑल राइट, जब वो हीट अप हो जाता है डेजर्ट फ्लोर, वो क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट करता है, ओके। दिस विल क्रिएट अपवर्ड मूवमेंट एंड टर्ब्यूलेंस विच विल फॉर्म एडी, व्हर्लविंड, अपड्राफ्ट्स एंड डाउनड्राफ्ट्स। व्हाट आर दीज, ऑल राइट, व्हाट आर दीज, लेट अस सी वन बाय वन। सो सबसे पहले हम लोग बात, हेलो, आवाज आ रही है, क्लियर है? एडीज क्या होता है, हेलो, ओके, अब आवाज आ रही है, ओके। एडी क्या होता है, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट से आपका यू नो व्हेन यू गेट ओके व्हेन यू गेट विंड इनकाउंटर्स ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे माउंटेन्स, ओके, जैसे माउंटेन्स हो गया, उसको सॉलिड ऑब्जेक्ट से विंड जाता है, तो आपका ये, यू आर करेक्ट, सर्कुलर कोई बोल रहा था क्या आपने से, समबडी वाज सेइंग सर्कुलर होता है, एज इस टाइप से होता है, ओके, इस टाइप से, क्योंकि विंड जब होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है,
विंड जब आपका किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो क्या होता है, वो जाके आपका ऑलराइट बेसिकली डिफ्रेक्ट हो जाता है। इसको आप एडीज को कैसे बोल सकते हो, वॉर्टिसेस सुना है आपने? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट वॉर्टिसेस? वॉर्टिसेस, सो ये वॉर्टिसेस के, ओके, इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज वॉर्टिसेस, इसको आप सर्कुलेशन भी कह सकते हो। ओके ठीक है, और देन व्हाट आर वर्ल्ड विंड्स? व्हाट आर वर्ल्ड विंड्स? तो हमने एडी देखा, अब वर्ल्ड विंड देखो, इट्स बेसिकली अ कॉलम ऑफ एयर। इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, एक कॉलम ऑफ एयर है जो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऊपर जा रहा है। ओके, जो राउंड एंड राउंड ऊपर जा रहा है तो उससे क्या बनता है, व्हर्लविंड से क्या बनता है? हाँ, गोल गोल घूमता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या उससे टोर्नाडो और टॉर्पीडो बन सकता है? सॉर्ट ऑफ ए टोर्नाडो, इट कैन फॉर्म अ टोर्नाडो। ठीक है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वाला देखा है आपने, इस तरीके से होता है, दिस इज एन एस, तो उसमें ऐसे रहता है, मैग्नेटिक करंट्स ऐसे ही जाता है ना, उसी तरीके से एडी रहता है। बोल रहे, व्हर्लविंड्स क्या होता है, कॉलम ऑफ एयर जो इस तरीके से ऊपर जाते रहता है, तो उससे आपका टोर्नाडोज बनता है। ऑलराइट ठीक है, अप ड्राफ्ट क्या होता है, वॉट आर अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट? सो अप ड्राफ्ट जो होता है, इट इज बेसिकली अपवर्ड मूविंग एयर करंट जो ऊपर की तरफ मूव करता है। और डाउन ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज बेसिकली योर डाउनवर्ड मूविंग एयर करंट। ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, ये जो होता है ये बेसिकली किससे इन्फ्लुएंस होता है, लोकल डे टाइम हीटिंग से। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई डिड, यू नो आई हैड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग? आपको अब समझ में आया होगा ये हीटेड डेजर्ट फ्लोर कैसे इंपैक्ट करता है, डिफरेंट आपको ये जो एयर्स होते हैं उसको कैसे इंपैक्ट करता है। ओके ठीक है, विंड्स के एक्शन से क्या होता है, डिफ्लेशन, अब्रेशन और इम्पैक्ट होता है। डिफ्लेशन से क्या होता है, लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम रॉक सरफेस। सो दिस इज व्हाट, लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट इज व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, इज इट नॉट इरोजनल एक्शन? इज इट नॉट इरोजनल एक्शन, लिफ्टिंग एंड रिमूवल? ओके, मेनी डेजर्ट फीचर रिजल्ट फ्रॉम मास वेस्टिंग एंड रनिंग वॉटर इंक्लूडिंग द शीट फ्लड्स। तो आपको पता होता है कि एक चीज ये भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, डेजर्ट में भी फ्लड्स आते हैं, स्पेशली इन थार एरिया ऑल्सो, इन सर्टेन एरियाज ऑफ राजस्थान वी सी फ्लैश फ्लड्स विच इज अनप्रीसीडेंटेड। इन जनरल वी डोंट थिंक लाइक दैट, इन जनरल वी डोंट थिंक लाइक दैट कि राजस्थान में भी फ्लड जा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डेजर्ट एरिया, स्कैंटी एरिया है, थॉर्नी बुशेज हम समझते हैं। ओके, डेजर्ट रॉक्स एक्सपोज टू मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। जो डेजर्ट रॉक्स है वो व्हेन इट इज एक्सपोज टू मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, जहां पर वहां टेम्परेचर चेंजेस भी होता है, वो डीके फास्ट करता है। यस्टरडे वी स्टडीड की कैसे वेदरिंग में, पता है, याद आया आप लोगों को, हमने बात की थी कैसे थर्मल थर्मल डिफरेंस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी था, केमिकल फैक्टर्स भी था, उसमें थर्मल फैक्टर भी था। तो रॉक्स का क्या होता है, वेदरिंग जो है इन डेजर्ट एरियाज ड्यू टू इंटेंस टेम्परेचर, ऑल राइट, ये होता है। ओके, इट इज एडेड बाय टोरेंशियल रेन्स दैट रिमूव्ड वेदर्ड मटेरियल्स इजिली। ये क्या होता है, ये टोरेंशियल रेन से होता है, और ये क्या करता है, वेदर्ड मटेरियल को इजिली रिमूव करता है। डेब्री इन डेजर्ट, अब भाई जब वेदरिंग होता है तो क्या बनता है, डेब्री बने बचेगा ना, वेदरिंग होता है तो रॉक टूट जाएगा आपका, वेदरिंग होगा तो रॉक टूटेगा, उससे क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास डेब्री बचेगा,
और ये जो डेबरी है वो मूव हो जाएगा नॉट ओनली बाय विंड्स बट ऑल्सो बाय रेन एंड द शीट वॉश. सो विंड प्रीडोमिनेंटली फैसिलिटेट्स मास इरोजन थ्रू शीट फ्लड्स और शीट वॉश. ओके, किसी को यहां तक डाउट? एनीबडी हैज डाउट? क्योंकि विंड क्या है, विंड अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम डेजर्ट लैंड फॉर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज डेजर्ट में रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, करेंट्स, ये सब नहीं होता है. डेजर्ट में क्या होगा? डेजर्ट में लैंड फॉर्म क्रिएशन किसके थ्रू होगा? डेजर्ट में एक ही चीज हो सकती है, विंड के थ्रू, और थोड़ा बहुत इंपैक्ट रेन के थ्रू होगा. ओके, तो नाउ अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट इज शीट फ्लड? शीट फ्लड होता क्या है? ये बेसिकली दिस इज अनकन्फाइंड फ्लड वाटर. अनकन्फाइंड फ्लड वाटर मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लड वाटर जिसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते. ओके, जिसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते. ठीक ठीक है. स्ट्रीम चैनल्स इन डेजर्ट्स आर ब्रॉड, स्मूथ एंड टेम्पररी, फ्लोइंग ब्रीफली आफ्टर रेन्स. ये जो स्ट्रीम चैनल्स है डेजर्ट में वो ब्रॉड होता है, स्मूथ होता है और टेम्पररी होता है, फ्लोइंग ब्रीफली आफ्टर रेन्स. तो रेन्स के बाद जो है आपको ये देखने को मिलता है. तो कुछ याद आ रहा है? स्ट्रीम चैनल्स इन डेजर्ट, ब्रॉड, स्मूथ एंड टेम्पररी, लूनी. वेरी गुड, लूनी रिवर. यस, लूनी रिवर के आसपास कोई इंडस वैली साइट याद है? लूनी रिवर के आसपास कोई इंडस वैली साइट याद है आप? एनी इंडस इंडस वैली साइट दैट यू रिमेम्बर? ढोलावीरा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई ढोलावीरा हैड सच ए हाई वाटर कंजर्वेशन सिस्टम? बिकॉज अगर लूनी है तो उसका सीजनल नेचर था, तो ढोलावीरा के लोग उनको वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा. स्ट्रीम चैनल्स इन डेजर्ट्स आर ब्रॉड, स्मूथ एंड टेम्पररी, फ्लोइंग ब्रीफली आफ्टर रेन. ओके, जो स्ट्रीम चैनल्स है डेजर्ट में वो क्या है? ब्रॉड होते हैं, स्मूथ होते हैं, टेम्पररी होते हैं. ऑल द फैक्टर्स विच हैपेंस विद द लूनी रिवर. ऑल राइट, सीजनल रिवर विच फॉर्म्स ओनली ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रेन इन द डेजर्ट. ऑल राइट, अब हम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म इन डेजर्ट. क्या क्या होता है? पेडिमेंट्स और पेडी प्लेन्स. सो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? आपको मैंने बताया था विंड इज द प्राइमरी एजेंट. विंड इज द प्राइमरी एजेंट. तो पेडिमेंट्स क्या होता है? सो बेसिकली इट्स अ ब्रॉड जेंटली स्लोप, जेंटल स्लोप, जेंटली स्लोपिंग या जेंटल स्लोप. ऑल राइट, एक्सपैंस ऑफ रॉक डेब्री. तो जो रॉक डेब्री जो है, ऑल राइट, वो आपको उसका एक जेंटल स्लोप जो बनेगा. ऑल राइट, कहां पर? माउंटेन बेसिस पे. ऑल राइट, विच इज कवर्ड विथ डेब्री. तो पेडिमेंट्स क्या होता है? जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स. इंक्लाइंड मतलब उठा हुआ थोड़ा सा. देन इट इज फॉर्म थ्रू इरोजन ऑफ माउंटेन फ्रंट्स बाय स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग. किससे बनता है? स्ट्रीम और शीट फ्लडिंग से आपको बनेगा. पेडिमेंट्स क्या होता है? ऑल राइट, पेडिमेंट्स दीज आर द सेम थिंग्स. ऑल राइट, पेडिमेंट्स आर द सेम थिंग जैसे अभी हमने बताया, जेंटली इनक्लाइन रॉकी फ्लोर. इसको भूलना नहीं. आपसे पूछ सकता है कि पेडिमेंट्स आर फॉर्म बाय ऑप्शन ए ग्लेशियर, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी स्ट्रीम्स. ओके, तो किससे बनता है? इट इज फॉर्म थ्रू इरोजन ऑफ माउंटेन बाय स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, एज पेडिमेंट्स फॉर्म स्टीप वॉश स्लोप्स एंड क्लिफ्स रिट्रीट बैकवर्ड थ्रू पैरेलल स्लोप. ऑल राइट, पेडिमेंट्स एक्सटेंड बैकवर्ड रिड्यूसिंग माउंटेन फ्रंट्स एंड लीविंग बिहाइंड इंसेलबर्ग्स. कुछ याद आया आपको इंसेलबर्ग्स? यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट मोनाड नॉक्स.
वी वर टॉकिंग अबाउट मोनाडनॉक्स, करेक्ट। हाई रिलीफ डेजर्ट एरियाज आर रिड्यूस्ड टू लो फीचरलेस प्लेन्स नोन एज पेडी प्लेन्स। व्हाट आर पेडी प्लेन्स? वेरी सिमिलर, ओके, वेरी सिमिलर। जैसे हमने कल देखा था, उसी तरीके से पेडी प्लेन है क्या? ऑल राइट, पेडी प्लेन जब ये आपका, ये जो पेडीमॉन्ट्स होता है या पेडीमेंट्स होता है, उसका जो मटेरियल है, उसका जो मटेरियल है वो कोलेस हो जाता है, मतलब एक जगह आप कह सकते हो इकट्ठा टाइप से हो जाता है, और ना फीचरलेस प्लेन, जहां पर आपको कोई फीचर देखने को नहीं मिलता है, आप उसको बोल सकते हो, आप उसको क्या बोल सकते हो? पेडी प्लेन्स। ठीक है, सो इस टाइप से होता है। आपने देखा होगा डेजर्ट में भी माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे, डेजर्ट में भी थोड़े उठे हुए माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे, और ये जो नीचे का प्लेन वाला एरिया रहता है जिसपे आप अपना चला सकते हो, ऊंट चला सकते हो जहां पर, ऑल राइट, सो दैट दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी पेडी प्लेन। और वो किससे बनता है? इट इज फॉर्म बाई, ऑल राइट, इट इज फॉर्म बाई पेडिमेंट्स ओनली। देन प्लायास, सो दीज आर फॉर्म्ड इन बेसिन्स विद सराउंडिंग माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर ड्रेनेज कन्वर्जेस टूवर्ड्स द बेसिन सेंटर। वॉट आर दीज? वॉट आर प्लायास? तो प्लायास जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन बेसिन्स विद सराउंडिंग माउंटेन्स एंड हिल्स, वेयर ड्रेनेज कन्वर्जेस, रिवर्स जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ज होते हैं टूवर्ड्स द बेसिन सेंटर, बेसिन के सेंटर्स पे। ठीक है, ग्रेजुअल सेडिमेंट डिपोजिशन, हाँ, यू कैन से लाइक दैट। ठीक है, ग्रेजुअल सेडिमेंट डिपोजिशन फ्रॉम बेसिन मार्जिन्स क्रिएट्स अ नियरली लेवल प्लेन एट द बेसिन सेंटर। तो प्लायास जो होते हैं, यहां ध्यान से सुनना, इट्स टाइप ऑफ ए बेसिन डिप्रेशन एंड इट्स लाइक अ ड्राई लेक बॉडी। ये क्या होता है? ड्राई लेक बॉडी होता है। आपने कभी कभार देखा होगा, इन द डेजर्ट एरिया, आपको इस टाइप से मिलेगा, ऐसा लग रहा है मरुस्थल का, याद है? ओ नहीं, नॉट ओएसिस एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली ओएसिस, बट यहां पर जो है ये पीरियोडिकली वाटर से कवर होता है, ये जो है ये पीरियोडिकली जो है वो कवर होता है वाटर से। ये प्लायास कहां से आया है? प्लायास जो है मेक्सिकन, मेक्सिको का वर्ड है, और ये जो है बेसिन डिप्रेशन होता है, वो जो डिप्रेशन जब बारिश होती है तो वहां पर पानी आपको भरा हुआ मिलता है। ठीक है, अब ओएसिस कैसे फॉर्म होता है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओएसिस का फॉर्मेशन, तो लेट अस टॉक अबाउट इट। ओएसिस कैसे होता है? जनरली आप देखते हैं ओएसिस का कैसा होता है, ब्लू वाटर, वहां पर बहुत सारे डेट्स के पेड़, ऐसा सोचते हैं, लेकिन जनरली ओएसिस क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी उसमें ना अजीब सा रहता है। इट्स नॉट ऑलवेज फ्लोइंग वाटर, और तो होता कैसे है ये? जब अंडरग्राउंड वाटर इन द डेजर्ट, अंडरग्राउंड वाटर जो है ऊपर आ जाता है, जिससे कैसे होता है, अंडरग्राउंड वाटर कैसे आता है? जब इंटेंस विंड डिप्रेशन फॉर्म कर दे, इंटेंस विंड जब डिप्रेशन फॉर्म कर दे और नीचे से पानी ऊपर आ जाए, सो आपको ओएसिस मिल जाता है। आर्टिफिशियली भी हाँ बना सकते हो, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हम यहाँ नेचुरल लैंडफॉर्म की बात करें। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नेचुरल लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब सफिशियंट वाटर होता है तो आपका प्लायास जो है, जो आपका डिप्रेशन है बेसिन डिप्रेशन, उसको शैलो वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, जिससे आपको सॉल्ट डिपॉजिट्स मिलता है। जिससे आपको क्या मिलता है? आपको सॉल्ट डिपॉजिट्स मिलता है। ये चीज आपको कहीं पे है क्या? साउथ अमेरिका में ये देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर जो है बोलीविया में, बोलीविया में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
दैट इन द यू नो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बोलीविया आपको ये जो है सॉल्ट सॉल्ट जो फ्लैट होता है, बोलीवियन सॉल्ट फ्लैट, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज उयूनी, उयूनी सॉल्ट फ्लैट। ओके एंड व्हाट इज दैट, ये सॉल्ट फ्लैट्स कैसे बनते हैं, एनीबडी हैज एनी नॉलेज, एनीबडी हैज एनी नॉलेज सॉल्ट फ्लैट्स कैसे बनता है, व्हेन द वॉटर इवेपोरेट्स, व्हेन द वॉटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लेक्स, और जो लेक से वाटर इवेपोरेट होता है तो आपको सॉल्ट फ्लैट्स बन जाता है। ये क्वेश्चन आया था 2023 प्रीलिम्स में, इफ यू गाइज रिमेंबर मरक्कनम सॉल्ट पैंस। प्लायाज मे कंटेन एल्कलाई फ्लैट्स, फ्लैट प्लेन्स कवर्ड बाय सॉल्ट डिपॉजिट, तो आपको प्लायाज में भी सॉल्ट डिपॉजिट मिल जाएगा। याद रखना उयूनी सॉल्ट प्लेन्स कहां पर है, उयूनी सॉल्ट प्लेन्स इट इज इन बोलीविया। ओके देन ऑल्सो यू गेट डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स, वेदर्ड मेंटल और बेयर सॉइल इज ब्लोन अवे बाय परसिस्टेंट विंड करेंट्स फॉर्मिंग शैलो डिप्रेशन विच इज नोन एज डिफ्लेशन हॉलो। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल क्या है ये, यहां पर विंड जो है इरोड करके डिप्रेशन बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन हॉलोज। विंड ड्रिवन सैंड कॉजेज इंपैक्ट एंड अब्रेशन ऑन रॉक सरफेस, जिससे स्मॉल पिट्स बनते हैं और कैविटीज बनते हैं। कैविटीज कैसे बनते हैं, इसको ऑब्वियसली विंड एक्शन से, इंटेंस विंड एक्शन से आपका जो है इरोजन होता है। प्लीज रिमेंबर दिस, आपका क्या होता है, इरोजन होता है, जिसके वजह से हमें वी गेट समथिंग कॉल्ड एज ब्लो आउट्स। सम ब्लो आउट्स डीपन एंड वाइडन ओवर टाइम, जिससे हमें डेजर्ट केव्स बनते हैं। डेजर्ट के केव्स हमें मिलते हैं। केव्स आपने एक चीज देखी होगी हर जगह है, ग्लेशियल केव्स है, सी केव्स है, डेजर्ट केव्स है, रिवर केव्स है, आपको हर जगह केव्स इज अ लैंड फॉर्म जो आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाती है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स। तो डेजर्ट एनवायरमेंट में कुछ रॉक्स होते हैं, दोज आर ससेप्टेबल टू विंड डिफ्लेशन एंड अब्रेशन। ओवर टाइम दीज रॉक्स बिकम वॉर्न डाउन, मतलब विंड के थपेड़े खाते खाते वॉर्न डाउन हो जाते हैं, जिससे इट लीव्स बिहाइंड रेमनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स शेप्ड लाइक मशरूम्स, मशरूम की तरह शेप होते हैं। ऑल राइट। और कुछ जो रॉक होते हैं मे हैव अ टॉप सरफेस ब्रॉड लाइक अ टेबल टॉप, टेबल टॉप जैसा ऐसा आपको मिल जाएगा। ओके ऐसे रॉक्स देखे आपने, इस टाइप के रॉक्स देखे हैं ऐसे इन द डेजर्ट, जरूर देखा होगा फोटो में, तो जरूर देखा होगा। ओके तो ये जो है पेडेस्टल बन जाते हैं। आपने सुना है पेडेस्टल पे मत रखो इसको, किसी को भी पेडेस्टल पे नहीं, डू नॉट पुट एनी वन ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, इट्स एन अपरेज्ड प्लेटफॉर्म। व्हाट इज अ पेडेस्टल, पेडेस्टल इज एन अपरेज्ड प्लेटफॉर्म। ओके अब हमने इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ लिया, कैसे विंड एक्शन से डिप्रेशन क्रिएट होता है। ऑलराइट। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इन डेजर्ट, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इन डेजर्ट कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, द विंड एक्ट्स एज अ सॉर्टिंग एजेंट, ऑल राइट ठीक है, विंड एक्ट्स एज अ सॉर्टिंग एजेंट इन डेजर्ट, सॉर्टिंग ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एज इट ट्रांसपोर्ट्स देम। यहां पर क्या होता है, विंड ही डेजर्ट में क्या करता है, फाइनर कोर्सर ग्रेन को सॉर्ट करते जाता है। ऑब्वियसली कोर्सर ग्रेन्स आर हार्डर टू ट्रांसपोर्ट बाय विंड कंपेयर टू द फाइनर ग्रेन्स। ओके जब विंड वेलोसिटी डिक्रीज होती है, सॉर्टेड ग्रेन्स जो है इट बिगेन्स टू सेटल, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेल सॉर्टेड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जब विंड वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो सॉर्टेड ग्रेन्स जो होता है वो क्या होता है, इट बिगेन्स टू सेटल एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वेल सॉर्टेड
डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। विंड एक्शन से ये भी बनता है, जिसको हम बोल सकते हैं विंड सॉर्टिंग। और विंड क्या सॉर्ट करता है? फाइनर मटेरियल को कोर्सर मटेरियल से, और जब उनको डिपॉजिट करता है तो हमें डिपॉजिशनल लैंडफॉर्म मिलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सैंड ड्यून्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ विंड डिपॉजिशनल एक्टिविटी इज व्हाट? इट इज सैंड ड्यून्स। ओके ओके आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट एलिफेंट रॉक, मे बी यू कैन सेंड सम पिक्चर्स, आई हैव नॉट सीन दैट। ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर आइडियल एनवायरमेंट फॉर सैंड ड्यून्स। अभी हमने बीचेस पे भी पढ़ा था, यू गाइस रिमेम्बर, बीचेस पे भी हमने ड्यून्स के बारे में पढ़ा था। अभी ड्यून करके एक मूवी भी आई थी, सभी ने देखा होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यून्स कैन फॉर्म डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज विंड डायरेक्शन। तो क्या क्या ड्यून्स होते हैं? बर्चांस, दीज आर क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स। ओके देन पैराबोलिक ड्यून्स, जो रिवर्स बारचांस, बारचांस क्रिसेंट शेप्स होते हैं। क्रिसेंट शेप कैसा होता है? वो पाकिस्तान के फ्लैग पे देखा है, क्रिसेंट मून टाइप का रहता है, सर मून शेप्ड रहता है। और वेयर एज पैराबोलिक क्या होता है? इस टाइप से उल्टा। ठीक है, ऑलराइट, ये पार्शियली कवर्ड रहते हैं वेजिटेशन से। देन सैफ, व्हाट इज सैफ? सैफ या सैफ, सैफ किस वर्ड, क्या वर्ड लग रहा है? आई थिंक दिस इज मोर लाइक एन अरबिक वर्ड। ये सहारा डेजर्ट से आया होगा या अरेबियन डेजर्ट से आया होगा, सैफ। तो इट इज सिमिलर टू बारचांस बट विथ ओनली वन विंग और पॉइंट ड्यू टू शिफ्टिंग विंड कंडीशन। तो सैफ जो है, इट इज सब्जेक्टेड टू शिफ्टिंग विंड कंडीशन, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ एक पॉइंट होता है, और देयर इज ओनली वन पॉइंट, इट्स नॉट टू पॉइंटेड। आपने देखा होगा, इट इज टू पॉइंटेड। बारचांस जो है, इट इज डबल पॉइंटेड, वेयर एज ये जो आपका सैफ होता है, इस पे क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट होता है। देन यू हैव गॉट लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है, दे फॉर्म लॉन्ग रिजेस, ऑलराइट, व्हेन सैंड सप्लाई इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। तो सैंड सप्लाई पुअर है, विंड कांस्टेंट है, तो क्या होगा? आपको एक इलॉन्गेटेड ड्यून देखने को मिलेगा। देन ट्रांसवर्स ड्यून, दीज आर अलाइंड 90 डिग्रीज और परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में विंड है, वहां से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, फॉर्मिंग व्हेन द विंड डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट एंड द सैंड सोर्स इज इलॉन्गेटेड। हमने लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में क्या बोला था? हमने लॉन्गिट्यूडनल जोन ड्यून्स में क्या बोला था? कि विंड डायरेक्शन कॉन्स्टेंट रहे, सैंड सप्लाई बेकार रहे। वेयर एज इन ट्रांसवर्स ड्यून, सैंड सप्लाई एंड विंड डायरेक्शन दोनों अच्छा रहे। ओके हम ये बोल रहे हैं। इन एरियाज विथ अबंडेंट सैंड, जिन एरिया में अबंडेंट सैंड हो, ओके, ड्यून्स मे कोलेस एंड लूज देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। जहां पर सैंड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सैंड का ओवरफ्लो हो जाता है। ओके इट माइट बी दैट वहां पर क्या हो जाता है? सैंड का ओवरफ्लो हो जाता है। मोस्ट डेजर्ट ड्यून्स आर मोबाइल। मेजॉरिटी ऑफ द डेजर्ट ड्यून्स आर वॉट? मोबाइल, एंड दे मे शिफ्ट ओवर टाइम। तो एक जगह पे हमेशा नहीं रहते हैं। ओके डेजर्ट ड्यून्स जो है, दे कीप शिफ्टिंग, दे आर नॉट, ओके दे आर नॉट एट अ फिक्स्ड लोकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वहां से उड़ के कहीं दूसरे जगह पे, जिसे दूसरे जगह पे जाके अपना बसेरा बना लेते हैं। ओके ओके ये लास्ट चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिया हुआ था, इसी का पार्ट है। तो भागीरथी रिवर जो है, वो इट इज प्राइमरली फेड बाय मेल्ट वाटर्स ओरिजिनेटिंग अंडर द स्नाउट ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपको क्या मिलता है? भागीरथी रिवर मिलता है। ऑन द अदर हैंड, अलक अलकापुरी ग्लेशियर सप्लाइज वाटर टू द अलकानंदा रिवर, अलकनंदा रिवर। ओके सॉरी नॉट अलकानंदा, अलकनंदा सॉरी। दीज टू रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी विल कन्वर्ज नियर देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी रिवर, भागीरथ कौन है? भागीरथ को कौन कहा जाता है? भागीरथ इज सेड टू बी द फादर ऑफ द गैंजेस, देवी गैंजेस, जो जो लेके आए थे गैंजेस को फ्रॉम हेवन टू अर्थ टू फॉर्म द रिवर गंगा। लेकिन उनका बहाव इतना तेज था, तो कैसे
उनका कैसे बहाव, ऐसा बोला जाता है कि माँ गंगे का बहाव बहुत तेज था, तो उसको कैसे कम किया गया, शिव जी की जटा से होता है ट्रांसपोर्ट होता है। करेक्ट। द हाइएस्ट पीक इन एल्प्स इज कॉल्ड मैटर हॉर्न, वाइल द हाइएस्ट पीक इन द हिमालय इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट। याद रखना, मैटर हॉर्न जो है एल्प्स का सबसे लार्जेस्ट हाइएस्ट पीक है। ओके। सिर्क्स याद है, सिर्क्स हमने बात की थी, इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर का। सिर्क्स आर सॉर्ट ऑफ अ लेक, डिप्रेशन बन जाता है, सॉर्ट ऑफ ए लेक, ग्लेशियर लेक, वहां से आपका फ्लो करने लगता है। तो ये जो है माउंट एवरेस्ट और मैटरहॉर्न कैसे बना है, जब हेडवर्ड इरोजन हुआ है, हेडवर्ड इरोजन हुआ है, ओके, ऑफ रेडिएटिंग सिर्क्स आपका मैटरहॉर्न और हिमालयस बना है। ओके। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी कोस्ट लाइन। अब यहां समझ में आया, वेस्ट कोस्ट इज हाई रॉकी कोस्ट लाइन, ईस्ट कोस्ट इज लो लाइंग सेडिमेंट्री कोस्ट। लो लाइंग सेडिमेंट्री कोस्ट में क्या होता है, रिवर्स को ज्यादा टाइम मिलता है, रिवर को ज्यादा टाइम मिलता है, और जब रिवर को ज्यादा टाइम मिलेगा तो क्या बनाएगा, अगर रिवर को आप ज्यादा टाइम दे दोगे फ्लो करने का तो डेल्टास बनाएगा। ओके। ऑलराइट। कोस्टल ऑफशोर बार्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट स्टॉर्म्स और सुनामीज, बाय अब्सॉर्बिंग मच ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव फोर्स। फॉलोइंग दीज बार्स बैरियर्स बीचेस बीच ड्यून्स एंड मैनग्रोव्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिफेंस अगेंस्ट सच फोर्सेस। मैनग्रोव्स तो पता है क्या है, मैनग्रोव्स आपको साइक्लोन से भी बचाते हैं, साइक्लोनिक वाटर करंट वगैरह जो होता है उससे भी आपको फ्लडिंग से बचाते हैं। ओके। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 8-9 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11। अब आई थिंक 2-3-4 चैप्टर और बाकी है, तो वी विल बी कंप्लीटिंग आवर फिजिकल ज्योग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, दिस इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ आपका एंड मोस्ट टेक्निकल पोर्शन ऑफ यूपीएससी सीएसई। इसीलिए देख रहे हो आज 12 लोग आए, पॉलिटी की क्लास होती है तो 25 आते थे, और इकोनॉमिक्स में 30 आते थे, और हिस्ट्री में 28-29 आते थे। कहानी सबको अच्छी लगती है, बट नोबडी, ओके, नोबडी लाइक्स, ओके, टू यू नो बैटल विद द लेंथी प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। ऑलराइट।